किसान जो है आज देश की राजनीति को, देश की अर्थव्यवस्था को और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छी से समझता है। उसे यहाँ का बुद्ध पूर्णिमा का भी पता है, उसे ये भी पता है कि 26 तारीख को ही मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं, 6 महीने पूरे हो रहे हैं। जो एक आंदोलन सर्दियों में शुरू होकर गर्मियों में पहुंच गया है, तो इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसके देश का किसान अन्नदाता आज बॉर्डर्स पर बैठा है। लेकिन किसान भी ध्यान रखता है, किसान को पता है बुद्ध पूर्णिमा है, तो किसान पहले उस दिन हर जगह स्टेज पे बुद्ध पूर्णिमा मनाएगा। सभी का सम्मान करते हुए हम यहाँ पहले बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाएंगे, और सरकार ने जो 6 महीने हमें यहाँ बिठाया है उसके विरोध में हम अपना काला पट्टा बांधकर प्रदर्शन करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और सरकार का पुतला गांव-गांव में जलाएंगे। ये सिर्फ आंशिक प्रदर्शन होगा या कुछ इसका एक्शन भी लिया जाएगा सरकार पर इसका? नहीं, सरकार को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक हक है। सरकार आज के दिन तानाशाह के रूप में चल रही है, जबकि किसान आज के दिन में लोकतांत्रिक रूप से चल रहा है। किसान को पता है, किसान भारत के संविधान का सम्मान करता है, भारत के हर नागरिक का सम्मान करता है। ये किसान की ही जिम्मेदारी है जो आज पूरे भारत का पेट भरता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारियां कौन तय करेगा? सरकार की जिम्मेदारी वहाँ कमरों में बैठकर, एसी में बैठकर अपने मन की बात कहने की नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी लोगों के मन की बात सुनने की होती है, देश के हालात के बारे में जानने की होती है। देश के किसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार को सुनना चाहिए। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुरा हाल है उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो क्यों है, क्योंकि देश के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य भारत सरकार और प्रदेश सरकारों का है। खेद प्रकट कर तो रहे हैं, मोदी जी रो रहे हैं कि आज देश की हालत को देख के और आंखों में आंसू टपक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है। हाँ, तो आपने बता दिया, सरकार का कार्य खेद प्रकट करना और आंसू गिराना है क्या? आप बताएं, लोकतंत्र की कौन सी उसमें लिखा हुआ है, संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कार्य सिर्फ खेद प्रकट करना और आंसू गिराना है? हाँ, किसान तो कर ही रहा है, किसान देश के हालात खराब है तो किसान ही तो सड़कों पर है। लेकिन मोदी क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? 19 में जाइए आप, ज़्यादा समय थोड़ी हुआ, 2 ही साल हुए हैं अब की बार मोदी सरकार। जब मोदी अपना नाम आगे क्यों लेके आ रहे थे? आज जिम्मेदारियों का वक्त आया तो पीछे हट जाते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो अपनी फोटो लेके आगे आ जाते हैं, प्रचार का समय आता है तो आगे आते हैं, 18 घंटे की आप बात करते हैं तो आगे आते हैं। आप उस 18 घंटे में बताइए ना कार्य क्या है। अगर किसी भी बुद्धिजीवी से, पढ़े लिखे स्कूल के बच्चे से पढ़ेंगे तो वर्क डन का जो फार्मूला है फिजिक्स का, वो कीजिए। दीवार को 18 घंटे धक्के लगाने से कार्य नहीं होता, कार्य होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना गया, कितने टाइम में गया। तो वर्क इज डन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू जीरो। तो वो जो 18 घंटे बर्बाद कर रहे हैं, वो इस देश के बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्यों देश के 18 घंटे बर्बाद करें, इस्तीफा दें और किसी अच्छे व्यक्ति को वहाँ लेके आए। लेकिन 2019 में जब आए थे ना, उन्होंने, मोदी जी ने और बीजेपी ने आप लोगों से कोई वादे नहीं करे थे। क्यों नहीं किए, बताओ क्या वादे किए? आप ये बताएं कि आप मोदी जी की तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं या मीडिया की तरफ से? उनका घोषणा पत्र देखिए, हर पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी होता है, उन्होंने बहुत ही किए थे। 2022 में किसान की आय दोगुनी करने का कार्य कब किया गया था? 19 के बाद ही तो 2022 आएगा। बहुत से कार्य उन्होंने, जो वायदे थे वो किए, लेकिन वो कार्य के रूप में संपन्न नहीं हो पाए। हाँ, किए आय दोगुनी करने का, लेकिन खर्चा दोगुना कर दिया, आय आधी रह गई। आय तो बची ही नहीं है आज किसान की। आप खाद के रेट देख लीजिए, आप पेट्रोल डीजल के रेट देख लीजिए, किसान की जो लागत देख लीजिए, यूपी के अंदर बिजली के बिलों की लागत देख लीजिए, किसान क्या करेगा?
किसान के बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। आज की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखते हुए आपको लग रहा होगा कि उसे भी स्वास्थ्य की ज़रूरत है, और जिस देश में ऑक्सीजन का सिलेंडर 10-10 हज़ार रुपये में बिकने लग जाए तो आप सोचिएगा कि कैसे एक घर का खर्चा चलेगा। 2 एकड़ का किसान जो 84% हिंदुस्तान के अंदर है, 1 एकड़ में मुश्किल से 20 क्विंटल अनाज उत्पन्न होता है, गेहूं की ही हम बात करें, जिसका MSP 40,000 रुपए से कम होता है। तो हुड्डा जी, आपने रेल रोक ली, चक्का जाम कर लिया, भारत बंद कर लिया, आप 26 जनवरी को लाल किला भी चले गए थे, सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया है, आप जो है कह रहे हैं कि हम काला दिवस मनाएंगे, क्या सिर्फ ये फौरी तौर पे मनाते हैं आप? नहीं, फौरी तौर पे क्यों मनाते हैं, वो तो आपको लगता है, सरकार को जाके देखिए, सरकार को अंदर टेंशन हुई पड़ी है, ये आंसू क्यों आ रहे हैं, ये ड्रामे क्यों कर रहे हैं। कहीं भी पूरी दुनिया में देखिए, USA के राष्ट्रपति रोए, प्रधानमंत्री रोए, या यूरोप के कहीं के स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, बहुत से देशों में आपदाएं आई, उन्होंने काम किया या आंसू बहाए। और सरकार की तो इतनी बुरी हालत हो पड़ी है, आज ये आंदोलन जो है जन आंदोलन बनते हुए पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। नेता ने बहाए थे? हाँ, तो नेता ने बहाए थे तो उसका जवाब आपने नहीं देखा क्या? जो किसान का सैलाब आएगा ना, उसमें ये दिल्ली की जो सरकारें हैं ये बहते हुए कहाँ चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। और ये आप बहुत ही जल्दी 2024 में भी देख लीजिएगा, अभी आपने बंगाल में देखा है, और 22 में आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गुजरात में, जो इनका गृह क्षेत्र है, वहाँ पर भी किसान दिखाएगा कि किसान की ताकत क्या है। मतलब आप वोट की चोट देंगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे, संविधान में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम बिल्कुल चोट देंगे। और दूसरा तरीका आप, मैं कहूँगा कि वो मत अपनाएं, मत मजबूर करें हमें दूसरा तरीका अपनाने में, क्योंकि दूसरे तरीके के तो हम बचपन से ही माहिर हैं, उसमें तो हम बहुत पहले से ही मजबूत हैं। हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हरियाणा, पंजाब, आज़ादी का इतिहास देखेंगे तो यहाँ के 64% शहीद हैं, इनको मौका इतिहास देखें। चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों ना दें हम, क्यों ना दें? क्या लगता है आपको हम डर जाएंगे, सहम जाएंगे? अरे, हमने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाया है, मुगलों से लेकर, चंगेज खान से लेकर, सिकंदर से, उनको उनकी औकात बताई है। तो ये सरकार जो किसानों की नहीं मानेगी, हम अपने देश के वासी हैं और इस देश को बचाने का काम सदियों से किसी ने किया है तो किसान ने किया है। तो समझौता भी तो आप ही लोग करते हैं? हाँ, सरकार आज हमारी बात मान ले, आज फिर कर लेंगे, सरकार आज तीनों काले कानून वापिस ले ले और MSP पे गारंटी दे दे, क्योंकि हमें किसानों की सोचनी है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं। आंदोलन बहुत बड़ी चीज होती है, यहाँ 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, आप उन परिवारों के बारे में सोचिएगा। हम जब लड़ते हैं तो इस देश की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी पर्सनल लड़ाई हम इनकी तरह नहीं लड़ते कि मोदी और शाह सिर्फ अपने दो मित्रों के लिए फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा काम करते हैं, और वही मित्र फिर फायदा पहुंचा के बीजेपी के अकाउंट में 2250 करोड़ रुपए तक डाल दिए जाते हैं। कहां से पैसा आ रहा है? हुड्डा जी, जो हरियाणा है वहां पर जो तीनों किसान कानून है, इनका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, और वहां का हर आदमी, हर किसान इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। लॉकडाउन को उन्होंने खोल दिया है, किसानों ने विरोध कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदों का, विधायकों का, लेकिन उस तरह से यूपी में जो आवाज़ नहीं उठ रही है, ना उत्तराखंड में आवाज़ उठ रही है उस तरह से, जिस तरह से हरियाणा में लोग विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, सरकार का। ओमदेव जी, विरोध तो हर जगह हो रहा है, लेकिन हरियाणा थोड़ा ज़्यादा उग्र लग रहा है आपको, कर्नाटक में हो रहा है, केरल में हो रहा है। आप इस बॉर्डर्स पर इंटरव्यू लेंगे, यहाँ केरल से महिलाएं आई हुई हैं, साउथ इंडिया से हैं, पूर्वी भारत से हैं, सब जगह है, ये आंदोलन एक बहुत व्यापक रूप ले चुका है। हाँ, हम बार बार कहते हैं हरियाणा हरियाणा, लेकिन आप ये बताइए, एक तो ये या तो मनोहर लाल को सरकार कहना इनको छोड़ दीजिए, जब हरियाणा में चल ही जनता की रही है, जनता ही लॉकडाउन को खोल देती है, फिर इस सरकार के मायने क्या हैं? क्या सरकार ये पदों नहीं है, वो सिर्फ पदों पर बैठे हैं, पदों पर बैठे अपने वेतन और भत्ते ले रहे हैं, उनका जो कार्य है वो किसान कर रहा है, किसान ही लॉकडाउन को खोल रहा है, किसान ही लॉकडाउन की पालना कर रहा है, सरकार तो कानून के नाम पर डरा रही है। आप किसी क्षेत्र में जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, या यहाँ इंदिरापुरम में आसपास देखेंगे, सरकार ये कह रही है कि किसान ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बांट सकता,
ये तो कानून में नहीं है, आप डॉक्टर्स लाइए, आप ये कीजिए, आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, प्रक्रिया कीजिए। अरे आदमी की जान बचाने से भी ऊपर क्या कानून है क्या? आज किसान ही बीमारी से देशवासियों की जान बचा रहा है और सरकार कानून का डर दिखा के कह रही है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए सरकार देश को बचाने के लिए है या देश को मिटाने के लिए। बूढ़ा जी ये बताइएगा, मतलब इस सरकार में और आप में क्या फ़र्क है? जब सरकार आपको समझाने आती है उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं आप, जब कोई प्रतिनिधि आपको समझाने जाता है आप उसके कपड़े फाड़ते हैं। अरे बिल्कुल, आपने मेरी बात का जवाब ही दे दिया कि हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं। भाई हेलीकॉप्टर से ही क्यों आते हैं, वो तो गरीब हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। आज वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसका दिया हुआ है? वो हमारे टैक्स के पैसे से जाता है, इस देश के आम नागरिक के टैक्स के पैसे का यूज़ कर रहे हैं। और किसान तो आपदा के समय में मजदूरों को रोटी खिला रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहा है, और वो क्या कह रहे हैं, वो भाइयों और बहनों वाले सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए, सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए वो इस देश का सौदा करेंगे क्या? हैसियत है क्या उनकी देश का सौदा करने की? ये देश ना बिका है, ना झुका है और ना झुकेगा। किसान इसके पीछे खड़ा है और किसान इस देश की आत्मा ही नहीं रीढ़ है। और इन दो व्यक्तियों को, जो सिर्फ दो व्यक्तियों का फायदा करना चाहते हैं, उनको तोड़ देगा। आप देख लीजिएगा ये सरकार भी जाएगी और ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जब रेल बिक रही थी जब आप लोग कहाँ थे? हमने रेलवे के टाइम भी विरोध किया, हमने जो भेल बिक रही थी तब भी विरोध किया, लेकिन एक समय होता है जब पैर में उंगली में चोट लग जाती है तो पहले फर्स्ट एड करते हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट एड सभी को स्कूल में सिखाई जाती है, तो जो फर्स्ट एड है भाई पैर पे मिट्टी लगा के किसान काम चला लेता है, किसान तब तक नहीं आता जब तक उसकी मजबूरी ना हो जाए अस्पताल जाना है। बहुत बड़ा दिल होता है किसान का, सब्र बहुत ज़्यादा होता है किसान में, तो किसान ने इतना सब्र किया, कोई बात नहीं हम अभी तक इनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जब सब्र की इंतहा होगी तो किसानों ने सत्ता भी पलटी है और ऐसे सत्ताधारी जो तानाशाह बनते हैं उन तानाशाहों को भी पलटा है। सरकार जो आपसे वार्ता कर रही थी उन्होंने वार्ता करना बंद कर दिया। बारहवीं दौर की वार्ता में आप लोगों को बताया कि सरकार ने आप किस तौर पर बेइज्जती की थी। हमने 24 जनवरी को हिसार के लिए कॉल दिया तो आज सरकार ने ही कहा है कि आज ही बात कर लो, मत करो। और यहाँ भी सरकार बार बार कह रही है कि बात कर लो, और सरकार अगर बात करना चाहे तो हम करेंगे, लेकिन कुछ कंपनी के मैनेजर से बात नहीं करेंगे। समझिएगा बात को, सरकार देश की होती है, सरकार मेरी भी है, आपकी भी है, सभी की है। सरकार दो कॉरपोरेट्स की नहीं है, जब तक वो दो कॉरपोरेट्स की बात रखेंगे हम बात नहीं करेंगे। सरकार किसान की और इस देश की जनता की बात करेगी, हम बात करेंगे भी और मानेंगे भी। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? देश की जनता के लिए और देश के लिए। हर देश का नागरिक की सरकार में उतनी ही साझेदारी है जितनी ये दो व्यक्ति विशेष सोच रहे हैं, और उनसे हम देश को झुकने नहीं देंगे। देश का सम्मान बरकरार रहेगा और ये देश सदियों से ऊपर रहा है, देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और इसको बढ़ाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ किसान लेगा।